गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। करंडा के पूजन बाबा घाट पर छठ पूजा में आए श्रद्धालुओं व व्रती महिलाओं के लिए स्वाभिमान संगठन व रामलीला समिति के लोगों ने चाय व अर्घ के लिए दूध के साथ ही गद्दो गाढ़ा लाइट की व्यवस्था की गई थी। पूजा संपन्न होने के बाद स्वाभिमान संगठन के लोगों ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए घाटों पर फैले फूल माला पॉलिथीन आदि कूड़ा की साफ सफाई कर दूर ले जाकर फेंका। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से अपने गांव के युवाओं के साथ छठ घाट पर लाइट व चाय आदि की व्यवस्था करते आ रहे हैं, आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। बताया कि छठ पर लगभग 6000 लोगों के लिए 2.5 क्विंटल दूध खरीद कर आश्रम के शुद्ध पात्र में बांटा गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गतिमान धान खरीद की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में शनिवार को संपन्न हुई। इसमें जिलाधिकारी ने केंद्रों पर खरीद कम होने पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि समस्त क्रय केंद्र समय से खुले तथा केंद्रों पर नियत समय से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्र प्रभारी उपस्थित रहें। केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ नियमित धान खरीद करते हुए केंद्र को आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति कराना सुनिश्चित करें। किसी भी केंद्र पर बिचौलिए या दलाल सक्रिय न हो पाए, अन्यथा स्थिति में केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यदि महिला के नाम पर पंजीकरण है तथा महिला स्वयं धान बेचने केंद्र पर आती है तो बिना नंबर के ही उसको वरीयता के आधार पर उनका धान क्रय किया जाए। बैठक में अनुपस्थित होने पर डीएम ने 4 नोडल अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी गाजीपुर एवं डिपो प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम आदि अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका दुबे के नेतृत्व में शनिवार को जिलाधिकारी एमपी सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान सचिवों ने 4 सूत्री मांग पत्र उनको सौंपा। जिलाधिकारी ने प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, विशेषकर सेवा संबंधी अभिलेखों के मामले में 2 माह के अंदर कार्रवाई पूर्ण कराने की बात कही। गबन के मामलों में सचिवों पर कार्रवाई के बारे में उनका स्पष्ट मत था कि सारे सचिव दोषी नहीं हैं, पर 4-6 सचिवों की वजह से जनपद और मंडल का नाम बदनाम हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल में परिषद के मंत्री ओम प्रकाश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष सूर्य भानु राय, पवन पांडे, बैजनाथ तिवारी, कंचन कुमार जायसवाल, सुरेंद्र यादव आदि शामिल थे। मानवता के क्षेत्र में सदैव सक्रिय रहने वाली संस्था ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम गाजीपुर यूनिट के साथियों द्वारा पूर्व की तरह शनिवार को नगर के MAH इंटर कॉलेज तिराहे पर मजदूरों और राहगीरों के मध्य निशुल्क चाय बिस्किट का वितरण किया गया। इसके उपरांत गाजीपुर घाट स्टेशन के निकट आबाद मलिन बस्ती में फोरम के साथियों ने चाय बिस्किट का वितरण किया। झुग्गी झोपड़ी में दशकों से रहने वालों का हाल जाना, फोरम के वॉलंटियर्स ने बताया कि मानवता की सेवा ही हमारा उद्देश्य है और इस तरह मिलने जुलने से हमें एक दूसरे की तकलीफों और आवश्यकताओं को समझने और उसके निराकरण में अपना हर संभव सहयोग प्रदान करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर आबिद हुसैन, नज़्म मुसाकिब अब्बासी, अब्दुस समद सिद्दीकी आदि उपस्थित थे। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उपासना के पर्व डाला छठ पर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए भोर से ही व्रती महिलाओं के गंगा घाटों पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। व्रती महिलाएं छठ मैया के गीत गाते हुए घाटों पर पहुंची। भगवान भास्कर के आंख खोलते ही दूध की धार बही। पुत्र की प्राप्ति और उनकी सुख समृद्धि की कामना को लेकर व्रती महिलाओं ने शनिवार की भोर में उगते सूर्य को अर्घ दिया। रात में 2 बजे के बाद से ही सिकंदरपुर, ददरी घाट, कलेक्टर घाट, अंजही घाट, नवापुरा, पोस्टा घाट, पत्थर घाट, स्टीमर घाट सहित अन्य घाटों के लिए व्रती महिलाओं तथा उनके परिजनों के घरों से निकलने का क्रम शुरू हो गया। 5 बजते शहर के प्रायः सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। घाटों पर पहुंची व्रती महिलाओं ने वेदी को गंगा जल से धोया, 6 ईखों को वेदी के पास खड़ा किया, फिर दीपों में घी और बाती सजा के उसे प्रज्वलित कर पूजन अर्चन शुरू किया। करीब 1 से 2 घंटे तक पूजन अर्चन किया। सूर्योदय से कुछ पहले ही व्रती महिलाएं पानी में सूप लेकर खड़ी हो गईं। सभी की नजरें सूर्यदेव की तरफ थीं। जैसे ही भगवान भास्कर ने आंखें खोली, श्रद्धालु उनका जय घोष करने लगे। इसके बाद दूध का अर्घ देने का क्रम शुरू हुआ। पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों सहित घाटों पर मौजूद लोगों ने व्रती महिलाओं को 6 बार अर्घ दिया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।